हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लेन विद दीप। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फेट द विनिक सागा के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 की कहानी को। अगर आप इस बेहतरीन एपिसोड को समझना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं और हमने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम सिल्वा को स्काई के पास देखते हैं, लेकिन स्काई अपने पिता को यहाँ से जाने के लिए बोलता है क्योंकि यह खतरे का काम होता है। पुलिस के लोग हर जगह सिल्वा को ढूंढ रहे हैं, इसलिए सिल्वा अपने बेटे से माफी मांगकर वहां से निकल जाता है। लेकिन यहां से निकलते समय वह एंड्रियास और रोजलिंड के हाथों में पकड़ा जाता है और उसे ईस्ट विंग के अंदर ले जाया जाता है। पर सिल्वा को पकड़ाने वाला और कोई नहीं होता बल्कि सैम का डैड होता है। वहीं आयशा और ब्लूम शॉपिंग करके सेबेस्टियन की शॉप पर जाती हैं, जहां पर सेबेस्टियन उन्हें मैप दिखाता है और आगे का प्लान बताता है। तब सेबेस्टियन ब्लूम और आयशा को बताता है कि तुम्हें आज के दिन ही ईस्ट विंग के अंदर जाना होगा। और ब्लूम को सेबेस्टियन के द्वारा यह पता चलता है कि आज बहुत सारे वीआईपी आदमी आने वाले हैं और ये सभी मिलकर स्कूल की प्रिंसिपल के लिए वोट करते हैं। और रोजलिंड इन लोगों से पिछले 16 सालों से नहीं मिली है। अगर कोई रोजलिंड के खिलाफ वोट करता है तो रोजलिंड प्रिंसिपल पद से हट सकती है। आज स्कूल के अंदर कुछ वीआईपी आने वाले हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट अपने अपने काम में बिजी हैं। वहीं एक जगह मूसा और सैम बैठे होते हैं, उनके पास आयशा आती है, लेकिन तभी वहीं पर ग्रे भी आ जाता है। ग्रे को देखकर आयशा हड़बड़ा जाती है, लेकिन ग्रे तो वहां से चला जाता है। तभी रोजलिंड आती है और सैम रोजलिंड को गुस्से भरी निगाहों से देखता है, लेकिन मूसा अपने जादू की मदद से उसके गुस्से को कंट्रोल करती है। ये लड़कियां भी अपने रूम में बैठी हुई होती हैं और ईस्ट विंग जाने के लिए प्लानिंग करती हैं। ब्लूम बताती है कि ईस्ट विंग के लिए वह अकेली ही जाएगी, क्योंकि अगर वह पकड़ी जाती है तो रोजलिंड को आसानी से समझा सकती है। लेकिन तभी दरवाजे पर बीट्रिक्स आ जाती है, जो स्टेला से कुछ बातें करना चाहती है, लेकिन स्टेला बताती है कि वह अभी बिजी है, इसलिए बीट्रिक्स अकेले ड्रिंक करने के लिए चली जाती है। वहीं एक जगह स्काई और रिवन बैठे होते हैं। ये दोनों पुरानी बातों को याद करते हैं। अगर रिवन की माने तो उसे कुछ भी याद नहीं है। रिवन ने तो अब बीट्रिक्स से भी अपना ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन तभी वहीं पर डेन आता है, जो रिवन से बात करना चाहता है। रिवन अब डेन के साथ भी नहीं है, ना ही उससे प्यार करता है, यह बात वह डेन से बोलता है। मूसा भी सैम से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन सैम वहां नहीं होता, वहां केवल ग्रे होता है। मूसा भी ग्रे से बोलती है कि आयशा भी तुम्हें चाहती है, और उसे इसलिए पता होता है क्योंकि वह लोगों को इमोशन को पढ़ सकती है। जब ग्रे यहाँ से चला जाता है तब मूसा को सैम का बैग नजर आता है। वह उस बैग को खोलकर देखती है, उसके अंदर उसे एल्विन एमलगम मिलता है, साथ ही उसके अंदर एक सीरिंज भी होती है। तभी वहीं पर सैम आता है। सैम जानना चाहती है कि आखिर उसके बैग में एल्विन एमलगम क्या कर रहा है, लेकिन सैम बहाना बनाता है, बताता है कि उसके डैड के लिए है। तब मूसा भी सच्चाई को रिवील करती है और बताती है कि वह उसके गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। मूसा सैम को खुश देखना चाहती थी, इसलिए वह सैम का गुस्सा कंट्रोल करती थी। मूसा इस चीज के लिए सैम से माफी मांगती है। सैम बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अगले सीन में ये सभी फेरीज खूबसूरत बनकर वीआईपी हॉल में आ जाती हैं, लेकिन वहां आते ही रोजलिन ब्लूम को अपने साथ ले जाती है। टेरा को भी सैम का मैसेज मिलता है, इसलिए वो भी वहां से चली जाती है। स्टेला को अपने अंकल से मिलना है, इसलिए वो भी वहां से चली जाती है। उधर ब्लूम भी रोजलिंड के साथ होती है। रोजलिंड ब्लूम को बताती है कि तुम्हें आज मेरे पास वाली सीट पर बैठना है, हालांकि वह जगह वीआईपी के लिए होती है, लेकिन तुम एक फेरी हो जो ट्रांसफॉर्म हुई हो, और दूसरी बात, तुम मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हें यह मौका मिला है। लेकिन ब्लूम बताती है कि अगर मुझे वहां ऐसा लगा कि मेरा कोई काम नहीं है तो मैं क्या करूं। तब रोजलिंड बताती है कि मुझे पता है कि सिल्वा को तुमने और तुम्हारी दोस्तों ने भगाया है, और यह बात मैं सोलोरियन पुलिस को बता सकती हूँ। इसलिए ब्लूम डर जाती है और ना चाहते हुए भी रोजलिंड का साथ देती है। उधर टेरा भी मूसा से मिलती है। मूसा बताती है कि सैम मैरिज मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, अब वो रोजलिंड को मारने के लिए यहाँ से चला गया है। टेरा मूसा पर इस बात से गुस्सा है क्योंकि वह उसका गुस्सा कंट्रोल करती थी और उसने ऐसा गलत किया। वहीं हम सैम को देखते हैं जो एक किचन के अंदर होता है। उसके पास वहीं इंजेक्शन होता है और उस इंजेक्शन में एल्विन एमलगम होता है। सैम इस इंजेक्शन को एक गिलास में मिलाने वाला होता है, तभी वहीं पर एक सिक्योरिटी वाला आकर उसे वहां से ले जाता है। वहीं हम बीट्रिक्स को देखते हैं, जिसको अभी भी वीआईपी में जगह नहीं मिली है। वह अपने पिता के साथ वीआईपी में जाना चाहती है, लेकिन उसका पिता एंड्रियास उसे मना कर देता है। फिर बीट्रिक्स डेन के पास जाती है। वह सोचती है कि शायद वह डेन के साथ कुछ वक्त बिता सकती है, लेकिन डेन भी बीट्रिक्स की हरकतों से परेशान हो चुका है, इसलिए वह उसके साथ जाने से मना कर देता है। अब बीट्रिक्स बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। वहीं सभी वीआईपी भी बैंक्वेट के अंदर आ जाते हैं। ब्लूम को पता चलता है कि वीआईपी की लिस्ट में स्काई भी शामिल है, और वह स्काई को देखकर बहुत खुश होती है। आयशा और फ्लोरा को भी ईस्ट विंग में जाने का रास्ता मिल जाता है। स्टेला का अंकल आर्थर स्काई के पिता पर इल्जाम लगाता है, साथ ही वह उसका मजाक भी उड़ाता है। इस बात से स्काई को गुस्सा आता है। बदले में स्काई भी आर्थर को भला बुरा बोलता है, और इस चीज के लिए दोनों में बहस हो जाती है। हालांकि स्टेला अपने अंकल को शांत करने की पूरी कोशिश करती है। रोजलिंड का कॉल आ जाता है, इसलिए वह पार्टी के पीछे चली जाती है। ब्लूम भी रोजलिंड के पीछे जाती है ताकि वह उसे बातों में लगा सके, ताकि आयशा और फ्लोरा तब तक अपना काम कर सके।
ब्लूम रोजलिंड से बात करती है। आयशा और फ्लोरा भी लैब की तरफ ही जा रही होती हैं। तब फ्लोरा आयशा को ग्रे के प्यार में पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है और बताती है कि हमें किसी के करीब जाने के लिए खुद को रोकना नहीं चाहिए। जब हम किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तब हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर फिर भी हम किसी के करीब जाने से खुद को रोकते हैं तो यह बहुत गलत होता है। तब तक ये दोनों लैब के अंदर पहुंच जाती हैं। लैब के अंदर आते ही इन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लेकिन यहीं पर एक अजीब सा क्रिएचर होता है जो आयशा पर हमला करता है। आयशा अपने जादू की मदद से उसका दिमाग कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन उस क्रिएचर पर आयशा का जादू काम नहीं करता। कुछ देर बाद वह क्रिएचर वापस आता है और वह फिर से आयशा पर हमला करता है। तभी पीछे से फ्लोरा आकर उस क्रिएचर पर एक अल्कोहल की बोतल फोड़ देती है और आग लगाकर उस क्रिएचर को जला देती है। तब ये यहाँ से उस क्रिएचर की फोटो क्लिक करके यहाँ से चले जाती हैं। तब आयशा और फ्लोरा बाहर आकर यह फोटो स्टेला और ब्लूम को दिखाती हैं। ब्लूम के अकॉर्डिंग इतने सबूत काफी नहीं है रोजलिंड को यहाँ से हटाने के लिए, लेकिन स्टेला बोलती है कि हमारे पास जो भी सबूत है हमें उन्हें आगे लेकर आना होगा, क्योंकि इतने सारे वीआईपी फिर कभी इकट्ठा नहीं होंगे, इसलिए यह काम स्टेला करने वाली है। मूसा और टेरा को भी सैम का पता चल जाता है, वह अपने डैड के साथ होता है। तब मूसा अकेली सैम से बात करने के लिए जाती है और जो किया उसके लिए वह माफी मांगती है। तब सैम मूसा को बताता है कि ये बातें नहीं है और ना ही मैं तुमसे इन बातों के लिए नाराज हूँ, दरअसल मैं अल्फिया शहर को छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। उधर टेरा भी अपने डैड को समझाती है कि आखिर हम अल्फिया को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। और वहीं बैंक्वेट में भी सभी के सामने स्टेला जाकर बोलती है कि रोजलिंड जैसी है वैसी है नहीं। स्टेला बताती है कि रोजलिंड फेरिज को गायब करती है और अपनी लैब में ले जाकर उनका जादू ले लेती है। साथ ही वह डेविन की भी बात करती है, लेकिन तभी वहीं पर रोजलिंड आ जाती है जिसके साथ डेविन भी होता है। ब्लूम स्टेला डेविन को देखकर चौंक जाते हैं। तब रोजलिंड अपनी सफाई देते हुए बताती है कि 2 हफ्ते पहले उसके एक फ्रेंड मेयर क्वीन ने उसको कॉल किया था और बताया कि 2 फेरिज जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की वो ब्लैक ब्रिज से गायब हो चुकी हैं और कुछ दिन बाद वो मरी हुई मिली, लेकिन मेरे दोस्त मेयर कवीन ने यह बात राज रखने के लिए बोली। तब रोजलिंड अपनी एक पुरानी किताब दिखाती है और वह बताती है कि इस किताब के अंदर एक क्रिएचर है जिसका नाम स्क्रीपर है और बताती है कि यह क्रिएचर फेरिज की शक्तियों को ले रहा है। रोजलिंड साथ ही बोलती है कि इन क्रिएचर को एक खूनी चुड़ैल ने भेजा है और वो हमारे जादू करने के तरीकों के बारे में भी जानने लगी है। तब स्टेला ब्लूम यहाँ से जाने लगती है, लेकिन रोजलिंड ब्लूम को रोक लेती है। तब रोजलिंड ब्लूम का इंट्रोडक्शन सभी से करती है और बताती है कि ब्लूम ताकतवर तो है ही, लेकिन उसके अंदर एक और खासियत है और वह यह है कि इसके खून के अंदर ड्रैगन फ्लेम है और इसका यह मतलब होता है कि ब्लूम ही इस दुनिया को बचा सकती है। बाहर नहर में आयशा ग्रे के साथ इंजॉय कर रही है, सैम मूसा के साथ घूम रहा है, टेरा भी अपने डैड को समझा रही है कि वो अल्फिया छोड़कर ना जाए। वहीं स्टेला भी अपने उस गैजेट को निकालने की कोशिश कर रही है जो उसकी शक्तियों को रोक रहा है, लेकिन तभी स्टेला के पास काई आता है और वह स्टेला को गले लगाता है और वहीं पर ब्लूम होती है जो इस बात से हैरान है कि आखिर उसी के अंदर ड्रैगन फ्लेम क्यों है। तब रोजलिंड ब्लूम को एक पत्थर देती है जो माफीनामा होता है जो सिल्वा का होता है और सिल्वा भी यहीं पर होता है। तब रोजलिंड बताती है कि यह वक्त आपसी रंजिश का नहीं है, हमारा दुश्मन केवल एक है और वो है खूनी चुड़ैल और इस काम में सिल्वा रोजलिंड का साथ दे रहा है। वहीं स्कूल के बाहर बीट्रिक्स को देखते हैं जिसको सभी लोगों ने ठुकरा दिया है और वह अकेली बैठकर सिगरेट पी रही है। किसी के आने की आहट सुनती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद कोई लड़का या लड़की हो सकता है। अजीब से क्रिएचर बीट्रिक्स पर हमला करते हैं और ये क्रिएचर संख्या में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बीट्रिक्स चिल्लाने लगती है, हालांकि मदद के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। क्या बीट्रिक्स की मदद के लिए कोई आ पाएगा? इसके लिए नेक्स्ट एपिसोड को देखना ना भूलें। आशा करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।